स्क्रीन शेयर हो गया? यस यस, चलो, कहाँ तक हो गया था? आज एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट स्टार्ट करना था। एडजस्टमेंट एंट्री है ना, बाकी लगा लिया? हाँ, लगा लिए थे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। चलो, एडजस्टमेंट एंट्री है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54 से है ना। हाँ, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 54। इसके पहले एक चीज समझो, हाँ जैसे मान लो तुम्हारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन लोगों का जो रेशियो है, ध्यान से समझना, इन लोगों का जो रे हाँ इन लोगों का मान लेते हैं कि इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, लॉस रेशियो है वो है 3:2:1, ठीक है। हाँ और ये वैल्यू हम मान लेते हैं कि 20,000 की जगह 40,000 है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। इसके बाद ध्यान से सुनना, तो जो प्रॉफिट बटेगा ए बी और सी में बटेगा ना, रेशियो में बटेगा, तो यस पहले पहले वाले को मिलेगा 60,000, दूसरे वाले को 40,000 और तीसरे वाले को 20,000। 6 डिटरमिनेंट, 60 मिलेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, 6 से डिवाइड होगा ना, 4, इसको मिलेगा 60,000, 40,000, इसको मिलेगा 20,000, ठीक है। ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर ये तुम्हारे समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। मान लो हाँ क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी फॉरगेट हो गई, भूल गई ये सैलरी देना, अच्छा सैलरी देना भूल गई, ओके तो प्रॉफिट कितना हो गया होगा? 132 बढ़ जाएगा ना, हाँ और ये जो प्रॉफिट बढ़ गया 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये इन लोगों में बट गया होगा ना, हाँ, बट गया होगा रेशियो में। रेशियो में, करेक्ट। बस इतना ही खेल है, यानी इसको 6,000 रुपये मिल गए होंगे, इसको 4,000 रुपये मिल गए होंगे और इसको 2,000 रुपये मिल गए। तो कंपनी क्या कहती है कि अगर कंपनी पार्टनरशिप का रूल है, अगर कोई चीज आप देना भूल गए हैं, मीन्स वो रेशियो में बढ़ गई होगी, ओके तो वो उनसे वापस ले लीजिए और वो जिसका है उसको अच्छा दे दीजिए, ठीक है। तो वापस किस रेशियो में लेंगे? जिस रेशियो में हमने उनको दिया है। किस रेशियो में दिया होता है? ओके जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होता है, करेक्ट। अब अगर क्वेश्चन को, हाँ अच्छा एक चीज और बताएं, मान लो दो आइटम तुम लिखना भूल गए हो, तो वो भी यहां प्लस हो गया होगा, यस या नो? यस और मान लो तुमने यहां पे लिखा होता है, ये बात ध्यान से सुनना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होता है, हाँ मान लो वो भी लिखना भूल गए हो, तो वो यहां क्या हो जाएगा? वो भी प्लस हो जाएगा। ना 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 ना, वो माइनस हो जाएगा, ओके यानी डेबिट वाले आइटम क्या हो जाते हैं जाएंगे, और सीआर वाले आइटम क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाएंगे। जब सीआर आइटम हो जाते हैं माइनस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। अब आई डोंट नो कि तुमको स्कूल में कैसे पढ़ाया गया, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं उस तरह से ध्यान रखना, वो गलत नहीं होगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। अब 54 नंबर क्वेश्चन में चलो, पहले क्वेश्चन की समरी बनाओ जल्दी से, क्या लिखा है? रिया, मोना, निशा से
और निशा, इनका निशा इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है? 3:2:1 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1, करेक्ट? ओके या इसको इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे ना लिखें तो, रिया, मोना और निशा, इनका रेशियो है 3:2:1, है ना? हाँ अब आगे क्या लिखा है बताओ। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वॉज 1,40,000, 1,84,000 और 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट ईयर का कितना है 1,40,000, सेकेंड ईयर का 84,000, 84,000 और थर्ड ईयर का 1,06,000. These profit were by mistake distributed equally. ये आपने गलती से क्या कर दिया? Mistake कर दी, distribute equally. नहीं, equally बांट दिया, करेक्ट? बांटना क्या? बांटना था 3:2:1, है ना? Yes. तो आप ये टेबल याद रखना बस, ये टेबल आपसे बन गया तो मान लो बन गया, ये वर्ड याद रखना, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है ना? आपको क्या, आपके पार्टनर के नाम क्या है? रिया, मोना, निशा. रिया, मोना, निशा, है ना? रिया, मोना और निशा। आपको इनको देना क्या था? आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है बताओ, आपने ऑलरेडी क्या गलती कर दी है? ये तीनों प्रॉफिट को आपने इक्वली बांट दिया है, यस या नो? यस यस, ऑलरेडी काम तुमने क्या कर दिया है? तुमने 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000 को, तो टोटल को इक्वल बांट दिया है। इन तीनों का टोटल कितना हुआ बताओ, बताओ कितना हुआ टोटल? अभी 3,30,000 टोटल था, 3,30,000 इक्वल बांटा तो कितना कितना बटा होगा, हाँ कि ना? कैसे किए कि इतना आ गया इक्वल? इक्वल के इक्वल मतलब कैसे, बताया था ना इक्वल कैसे बांटते हैं, जितने पार्टनर उतने से डिवाइड कर दो। अच्छा, इक्वल मतलब कितने पार्टनर है, तीन, तो तीन से डिवाइड किया तो एक का आया कितना? हाँ, अब देखो ये तो तुमने दे दिया, ऑलरेडी क्रेडिटेड इतना दे दिया, करना क्या था, 3,30,000 रुपए को तुम्हें कैसे बांटना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ कि ना? हाँ, तो इसको मिलना चाहिए था 1,65,000, दूसरे को कितना मिलना चाहिए और तीसरे को कितना मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको मिलना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 1, इसका कितना आएगा 1,10,000, और इसका कितना आएगा 55,000, हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ये 6 कहाँ से आ गया? रेशियो में बांटते हैं तो क्या करते हैं बिटिया, क्या बताया था, रेशियो को प्लस कर देते हैं, बताया था ना? प्रॉफिट एंड लॉस बांटती थी ना यहाँ पे, ये यहाँ पे जो बांटती थी इधर, कैसे बांटती थी, तीनों का टोटल कर देते थे फिर डिवाइड करते थे फिर मल्टीप्लाई जिसका जितना शेयर है। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना मेरी बात को, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है? और अगर इधर वाला ज्यादा है तो यहां लिखोगी, और अगर इधर वाला ज्यादा है
तो यहाँ लिख, क्रेडिट में लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है माइनस करने पे? 1,65,000 माइनस 1,10,000, 55,000 आ रहा है। हाँ हाँ किस तरफ का ज्यादा है, इधर वाला ज्यादा है कि इधर वाला ज्यादा है वैल्यू? डेबिट, इधर वाली वैल्यू ज्यादा है ना, तो 55,000 DR में लिख देंगे। और इसमें क्या हुआ, जीरो है, कोई ज्यादा नहीं है, हाँ ब्लैंक छोड़ दो। अब अच्छा, इसमें इसमें कौन सा ज्यादा है? मतलब अगर क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है तो उसके लिए ब्लैंक छोड़ दो। नहीं बिटिया, इसमें कहाँ क्रेडिट वाला ज्यादा है, इसमें तो दोनों इक्वल है ना, 1,10,000, 1,10,000। हाँ, इसको माइनस करोगे तो जीरो आएगा ना, इसको माइनस करो जीरो आएगा। अब यहाँ 55 है और यहाँ 1,10,000 है, तो डिफरेंस कितना आया, 55। अब कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है ना, हाँ हाँ क्रेडिट वाला। तो इधर क्रेडिट में लिख दी, लिख दिया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो ध्यान से, TR में वैल्यू जो लिखी है उसमें नाम क्या लिखा है, रिया का नाम लिखा है ना, हाँ TR में किसका नाम आ रहा है, कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट साइड में जाना ना। निशा का नाम कहाँ आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ अब ये एक क्वेश्चन हुआ, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है चीजें, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी थोड़ी देर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो। पी एंड क्यू वे पार्टनर्स फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। हाँ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम फॉर द 31st मार्च। प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, आपने इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल, फर्म जो है तो प्रॉफिट आपने हाँ बांट दिया, नहीं प्रॉफिट आपने बांट दिया, लेकिन और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं दिया। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है ना। हाँ तो अब आप ये कॉपी करो पहले तो फॉर्मेट, ठीक है, ओके ये मैंने फॉर्मेट यहां रखना है, ये वर्किंग नोट है। अब कौन कौन पार्टनर है, दो पार्टनर है ना, ई और क्यू। व्हाट इज मुझे समझ में आया गड़बड़ कहां हुई है। देख बेटा इस वाले क्वेश्चन को दोबारा समझो, ध्यान से समझना है। ये यहां होगा और ये यहां होगा, वही तो मुझे लगा मेरे से फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, फिर मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। देखो ध्यान से, आप क्या लिखोगे, आपको ऑलरेडी देना क्या था, देना था रेशियो में, करेक्ट, और आपने कैसे दे दिया, इक्वल इक्वली दे दिया है ना, और उसका जो डिफरेंस आया, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज्यादा है इधर की, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी ज्यादा है, डेबिट की, ठीक है ना। यहाँ पे नाम आ जाएगा, DR में क्या नाम आएगा, ईशा, और CR में क्या नाम आएगा, रिया। अब अगले क्वेश्चन में देखो और थोड़ा सा क्लियर होगा। व्हाट, क्या देना था तुमको बताओ, हम
इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था है ना, हाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 12%। 12%। तो 2 लाख का 12% कितना होगा? 2 लाख का 12% 24,000। है। और 3 लाख का 36,000। टोटल 60,000। अब ये 60,000 तुमने गलती क्या की है? गलती ये कर दी है कि इंस्टॉन कैपिटल ही लगाया। नहीं लगाया तो, अगर जब नहीं लगाते हैं तो वो किस में बढ़ जाता है? क्रेडिट जब नहीं लगाते हैं तो इक्वली बढ़ जाता है ना, हाँ इक्वली या रेशियो में। इसमें रेशियो इक्वल है तो इक्वल बढ़ गया। अब बताओ किधर अंतर आ रहा है? 6,000 इधर आ रहे हैं और 6,000 इधर आ रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ हाँ हो रहा है? ठीक हाँ है, ठीक का नाम यहाँ डेबिट में जा रहा है, तुम्हारे में क्रेडिट में आ रहा है। अगर मैं ये सही मानता हूँ तो ये गलत हो जाता है। फिर वही गलती कर गए ना। एक बार फिर से देखो इसको, फॉर्मेट अपन ने गलत कॉपी किया ना, ऊपर वाला फॉर्मेट कॉपी करना था, ये फॉर्मेट ना, ये अपन ने फॉर्मेट कॉपी किया। ध्यान से देखना, ऑलरेडी क्रेडिटेड, क्या क्रेडिट कर दिया हमने पहले से, और क्या देना था हमें? क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12%। 24,000 इसको देना था और 36,000 इसको देना था। टोटल था हमारा 60,000। जब हमने ये क्रेडिट नहीं किया तो हमने गलती क्या कर दी? इक्वल बांट दी। जब इक्वल बांट दिया तो डिफरेंस क्या आया? 6,000 और 6,000। ये 6,000 कैसे आया पता है ना? हाँ, उसको उससे माइनस कर दिए, फिर जहां का जो भी होगा कम होगा तो क्रेडिट, डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट। नहीं, इधर का ज्यादा है तो इधर ही लिखेंगे और इधर का ज्यादा है तो इधर लिखेंगे। एक तरीके से ये डेबिट है और एक तरीके से ये क्रेडिट है, ठीक क्रेडिट है ना? अब यहाँ पे डीआर में किसका नाम आ रहा है? डीआर में नाम आ रहा है पी का। ई कैपिटल अकाउंट डीआर, और टू में किसका नाम लिखेंगे? क्यू क्यों का कैपिटल अकाउंट। और वैल्यू कितनी लिखेंगे? 6,000 और 6,000। सर अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, एक बार देख के बताओ बनेगा कि नहीं। चलो को समझ नहीं आ रहा। ध्यान दो, ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन में अपन से थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। देखो ध्यान से, आजाद और बिन्नी जो पार्टनर है उनकी कैपिटल है 80 और 40 और 80, ठीक है, 40 और 80,000। आफ्टर द अकाउंट ऑफ द फॉर्मर हाँ हैड बीन प्रोवाइडेड, यानी अकाउंट बंद हो गया, हिसाब किताब हो चुका है, इट वॉज नोटिस दैट, ये पता चला, नोटिस किया गया, इंटरेस्ट 5% प्रोवाइडेड ऑन पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट, यानी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नहीं नहीं दिया, क्रिप। है ना? आपको क्या, हाँ आपको क्या देना था? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। देना था। था मतलब ये वाला कितना देना था? हाँ 5%। तो 80,000, 40,000 का 5% आएगा कितना? 2,000, और 80,000 का आएगा 4,000। तो आपने कितना बांटना था टोटल? 6,000। यस या नो? हाँ तो यही 6,000 आप बगल में लिख दो यहां पे। जब आपने वो 6,000 ओके नहीं दिया है ना, तो आपने क्या किया होगा? उसको रेशियो में बांटा होगा, और इनका रेशियो क्या था? इक्वल। क्या इक्वल।
यहाँ पे रेशियो क्या बांटना था, इन रेशियो, हमको रेशियो में इसको बांटना था, और रेशियो है इक्वल, इक्वल बटा, अब यहाँ पे 3 3 हजार आया तो डिफरेंस कहाँ आया, 1,000 रुपये इधर आएगा और 1,000 रुपये इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कौन सी ज्यादा है, इन दोनों को माइनस करो, 1,000 आएगा और 1,000 आया और ज्यादा वैल्यू है ये वाली, तो हम 1,000 यहां लिखेंगे और इन दोनों को माइनस करो, 3,000 और 4,000, तो 1,000 आया और वैल्यू ज्यादा है यहाँ वाली, ये वाला यहाँ चला जाएगा। कंपेयर किससे करते कि ज्यादा है कि कम है? हाँ पहले माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करो, मतलब 1,000 एक आया हजार आए। हाँ ठीक, अब ज्यादा वैल्यू कहाँ लिखी है, ज्यादा वैल्यू लिखिए डेबिट साइड में, मतलब बस आप डेबिट में लिख, जो देखो पहले वाले कॉलम, यहां वाले कॉलम में अगर ज्यादा है तो इधर आएगा और अगर इधर वाले अच्छा कॉलम में ज्यादा है तो इधर आएगा। मैं एक काम करता हूं, इसको सेम कलर में कर देता हूं, अब तो समझ में आएगा, हाँ यानी इधर ज्यादा है तो इधर, इधर ज्यादा है तो इधर, और अगर इधर ज्यादा होगा तो, क्रेडिट साइड। समझ में आई बात। अब इसमें एंट्री बनाओ, हाँ तो फिर आजाद कैपिटल और करंट अकाउंट, डेबिट टू बेनिस कैपिटल और करंट अकाउंट दो। आंसर चेक करो, हाँ यही आ रहा है, आजाद का नाम डेबिट हाँ हुआ है, बिन्नी का नाम क्रेडिट हुआ। अभी ऊपर के दो क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन हुआ ना, क्योंकि बहुत दिन बाद इस चैप्टर को उठाया अपन ने, इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पर अब सिर्फ याद रखना कि इस फॉर्मेट में आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे सॉल्व होते चले, ओके आपका पूरा पास एडजस्टमेंट इस फॉर्मेट से खत्म हो जाएगा। अब देखो बस इतना पकड़ो कि क्या देना था उसको यहां लिख दो, क्या देना। हाँ और अगर नहीं दिया है तो वो रेशियो में क्या होगा, बगल में बट गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट। है ना। चलो हाँ। मैं फिर से कॉपी करता हूं फॉर्मेट, और इनको करता हूं ब्लैंक। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है 57। मेरे को लगता है इसमें 57 वाले में दे दिया था मैं 5%, 6% पहले कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान से, दिमाग लगाओ, आसान कैसे होगा। राम मोहन सोहन पार्टनर हैं, राम हाँ यस मोहन सोहन तीन पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल दी है यस ट्वेंटी यस 90 और 60, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%। आपने इंटरेस्ट कितना दे दिया, 6% देना था जबकि 5% तो 1% ज्यादा दे दिया ना, आपको देना कितना था 5, हाँ 5% देना था, और आपने दे कितना दिया 6% पर एनम। 6% दे दिया ना गलती से, तो हाँ दोनों का डिफरेंस कितने यस परसेंट है, यस 1 ही% है। 1%। तो 1% तुमने ज्यादा दे दिया है, हाँ या ना, यस यस तो दे दिया कहाँ लिखा है, इधर या इधर, दे दे दिया। दिया यहां लिखा है ना, हाँ आपने दे दिया 1% ज्यादा, तो 1% वैल्यू यहां लिख दो, 1% वैल्यू कितनी होगी उसकी, 1,20,000 की 1,200, हाँ 900 और 600, आया ना, तो हाँ टोटल कितना आएगा 2,700, तो वही 2,700 यहां आना चाहिए, और किस रेशियो में बांट देंगे, उनका रेशियो क्या था,
रेशियो नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मुझे लगता है। हाँ इक्वली हो गया है, इक्वली। 900 900 900। अब बताओ किधर आएगा 400, सॉरी 300 इधर हाँ में, 0 और इसमें 300 इधर। अब एंट्री क्या बनेगी? हाँ राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन से, सॉरी हाँ सोहन, हाँ सही है सोहन। राम डेबिट सोहन क्रेडिट, हो गया ना। हाँ पल्ले पड़ी बात, कैसे क्या कैसे पकड़ा इसको अपन ने? अपन को देना था 5%, अपन ने दे दिया ऑलरेडी गिवन 6%, तो 1% ज्यादा दे दिया ऑलरेडी ना। गिवन। 1% जो ज्यादा दिया हमको उससे हाँ मतलब है। 1% जो दे दिया तो दे दिया वाले कॉलम में लिख दो और उसको इक्वल उसको रेशियो में बगल वाले कॉलम में बांट। अगर ये लिखा होता 5% देना था भूल गए, तो आपको क्या पकड़ में आ रहा है? देना था, तो देना था वाले में लिखेंगे फिर बगल वाले में बांट देंगे। ये दो शब्द याद रखो बिटिया, ये दो शब्द जो है ना, अगर ये तुम्हें तुमने पकड़ लिए, क्या दे दिया और यहां देना, देना था। ये दो शब्द अगर पकड़ लोगी ना तो ये अगर पूरा पूरा पार्ट एडजस्टमेंट बन जाए। हाँ बोलो अगर दे दिया था मैं, दे दिया मैं कर रहे हैं तो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा देना था मैं। हाँ, मतलब एक तरफ ओके आएगा और दूसरी तरफ रेशियो में बट जाए, सीधा फंडा। ओके ओके अब 58 वाला देखो। चलो सर, ये तो मुझे लगता है था तो 57 के जैसे, बट लास्ट में ये आ गया द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। देखो, मैं देख लेता हूँ। राम श्याम मोहन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 212, कैपिटल इतनी दी है फॉर द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड 9% इंस्टेंट ऑफ 10%। आपको कितना देना था? देना था 10%, 9%। हाँ, तुमने कितना दिया? 1% तुमने कम दिया ना, यहाँ तो जब कम दिया तो तुमको देना था वाला में 1% कम, 1% देना था। कहाँ हाँ बांटोगी पहले? यहाँ हाँ हाँ ओके 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 हाँ बनेगा ओके गॉट इट। 1%, यहाँ निकाल के लिख देंगे और उसको यहाँ रेशियो में बांट देंगे, और रेशियो क्या है? 212। 1, 2। अच्छा ओके आई गॉट इट, बट आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर उससे चार्जिंग मतलब नहीं है, उससे इंटरेस्ट मतलब नहीं है, वाज, उसको छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ बन जाएगा। मैं बन जाएगा। यहां पे मार्क कर दूं कुछ, तुमको यहां लिखना है पहले। नहीं, पता है ना, पता है। चलो ठीक है फिर, वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसके बगल में लिख देता हूं, दिस इज योर होमवर्क। लेट्स मूव 59। 59 में ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब जाके हिसाब किताब बनेगा। एक है पार्टनर सिमरत, एक है वीर, इनकी कैपिटल क्या दी हुई है, इनका रेशियो क्या है? रेशियो है 3:2, ठीक है ना। और इनकी 31 मार्च आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट वॉज 4,80,000 और दूसरे का कैपिटल है 6 लाख। ये कौन सा कैपिटल है? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है? ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ना। हाँ अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 1 मई 2021 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड वीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, लिखा है। यस यस
ऑन 1st अक्टूबर सिमरत विड्रॉ इतना एंड हर कैपिटल एंड हीर इंट्रोड्यूस 3 लाख लिखा है. यस रिटन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6%. सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैड बीन ओमिटेड, भूल गई. ठीक है. और द प्रॉफिट वॉज 2,40,000, पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन सिमरत 1,20,000 और डीर की 60,000. कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड एंड इफ द कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग. एक बार ये लगाना है कि कैपिटल फिक्स है और एक बार लगाना है कि कैपिटल फिक्स है. तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लें अपन. ठीक है. यस यस कैपिटल. तो पहले आपको क्लोजिंग कितना दिया है? 2 पार्टनर हैं. इमरत और वीर. तो हमको दी है क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपए. और दूसरे की कितनी है? अरे सिमरत की, सिमरत की ना सर 6 लाख नहीं है, 4,80,000 है ना. ये क्लोजिंग में है, ध्यान से समझना. हाँ 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 समझ रहे हैं. ऑन 1st मे सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,20,000. सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था यानी इसने कैपिटल डाली थी, तो जो डाली होगी उसको माइनस कर दो. उल्टा करते हैं ना अपन. यस. तो माइनस न्यू कैपिटल, इसने कितना डाला था? 1,20,000. तो माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख दो ताकि याद रहे. ठीक है. और इसने एक भी नहीं डाली थी नई. और इसको करो प्लस जो विड्रॉ हुई है. वी विड्रॉ किया है 60,000. इसने कितना विड्रॉ किया है? वीर ने 60,000 किया है. और इसने कितना विड्रॉ किया है? आगे लिखा हुआ है सिमरत ने विड्रॉ किया 2,40,000. तो ये प्लस वाले को बाद ब्रैकेट में नहीं रखेंगे. ओके ओके. और इसने कितना इंट्रोड्यूस किया है? सिमरत ने तो इंट्रोड्यूस किया है 3 लाख. सिमरत ने विड्रॉ किया 2,40,000. हाँ. और वीर ने इंट्रोड्यूस किया है 3 लाख. हाँ या ना? मिटाऊं फिर से लिखूं? अच्छा, सिमरत ने पहले इंट्रोड्यूस किया है, वीर का सेकंड लाइन में है. हाँ. तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई? इसकी कितनी होगी? कैलकुलेट करो फटाक से. ले ले माइनस करेंगे, प्लस करेंगे. हाँ, 4,80,000 माइनस 1,20,000 प्लस 2,40,000. तो इसकी जो है ओपनिंग कैपिटल रही होगी 6 लाख. ठीक है. और इसकी कितनी रही होगी? तो 6 लाख रुपए थी जिसमें से 3 लाख रुपए इसने निकाल लिए, माइनस हो गया और प्लस हुआ 60,000. इसकी रही होगी 3,60,000. ठीक है. क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला, तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला. हाँ, ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट. हाँ, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस माइनस प्रॉफिट. अब इसमें ना तो ड्रॉइंग दिया है ना तो प्रॉफिट दिया है. हाँ. इसमें केवल इतना दिया हुआ है कि भैया इसने इतनी कैपिटल लगाई और इसने इतनी कैपिटल निकाली. तो जो लगाई वो प्लस की ना,
जो आपने नई कैपिटल बिजनेस में डालोगे वो तो कैपिटल प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंट्रोड्यूस जो किया हमने, हाँ वो प्लस हो जाएगी। तो जो प्लस हुआ उसको माइनस करो। जैसे प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है ना? हाँ हाँ प्रॉफिट प्लस होता है। तो जब अपन ओपनिंग निकालते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस। हाँ। और ड्रॉइंग माइनस होती है तो उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो वही यहाँ पे भी करेंगे, जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। प्लस, समझ में आया? तो जो इंट्रोड्यूस किया वो प्लस किया था इसलिए माइनस कर दो, और जो विड्रॉ किया तो उसको माइनस किया था इसलिए उसको वापस प्लस कर। तो तुम्हारी क्या कैपिटल आ जाएगी, 1 तारीख को जो कैपिटल थी। बात समझ में आई? आ रही आ रही है। तो चलो अभी ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं अपन, पहले फिक्स्ड मेथड से करते हैं, सॉल्यूशन बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो ओपनिंग में रही होगी वो वही अंत में रहेगी, जो ओपनिंग में रही होगी वही अंत में रहेगी। अंत में रहे। हाँ ठीक है ना? हाँ। तो जब वही अंत में रहेगी तो भैया कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तुमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 6% देना था? हाँ देना था। तो 6 लाख का 6% होगा कितना, 36,000। और 3,60,000 का 6% 21,600। तो टोटल कितना हो गया, 57,600। तो यहां पे भी आएगा 57,600। और इनका रेशियो क्या है? रेशियो इनका 3:2। तो 57,600 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। यस। और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 सॉरी डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आया पहले वाले का 34,560 और दूसरे का आया मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 23,040। अब किधर ज्यादा है बताओ, पहले वाले में किस तरफ ज्यादा है? क्यों माइनस करके बगल में नहीं लिखोगी? किसके में आया है सर? 1 मिनट रुक जाइए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ चलो। अब इसमें जो है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड एंड दिस कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, ये बोल रहा है ना? यस यस। तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें नहीं आई। देखो इसमें पास एडजस्टमेंट नहीं करना है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। तुम्हारी 6 लाख का जो है तो 6 लाख रुपए का 6% क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्वेश्चन वही मैं क्रॉस मैच कर रहा था। देखो फर्स्ट मई को क्या हुआ है, 1,20,000 प्लस हुआ, तो अपन ने 1,20,000 माइनस कर दिया, और इसका विड्रॉ हुआ है तो उसको प्लस कर दिया 60,000। ये तो सही है फर्स्ट मई वाला हिसाब, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। नहीं तो क्योंकि भूमि ने भी स्टार लगा रखा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा होगा। और 1 अक्टूबर को इसने क्या किया है, विड्रॉ किया है 2,40,000, तो ये प्लस हो गया 1 अक्टूबर को। सर इसमें पास एडजस्टमेंट की तो एंट्री हमें करनी नहीं है। नहीं ये पास एडजस्टमेंट का नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। हाँ तो फिर हो गया, इसको छोड़ते हैं, पास एडजस्टमेंट देखते हैं। रुक जा, रुक रुक जा, रुक जा। आज मैं तुमको एक ऐप शेयर करूंगा, उसमें इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है ना? मालूम है तेरे को? नहीं मालूम है? कौन सा ऐप है? एक ऐप है, वो मैं ऐप ढूंढ करके तेरे को शेयर करूंगा, ठीक है ना? तो जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपन को गड़बड़ होते हैं तो वो अपन इनसे क्रॉस मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, इसको अपन क्रॉस करते हैं।
अभी इसमें कुछ गड़बड़ है। अब कौन सा क्वेश्चन है 59 के बाद 60 नंबर में देखो। क्या दिया हुआ है? क्या लिखा है? प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म। हाँ बोलो। इसमें मतलब चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं को किया है जबकि वो करना था। प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विद्रॉ विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग वॉज 3000 और 1000 की ड्रॉइंग थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, पार्ट ऑफ जनरल एंट्री। अब तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री की नहीं। अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 60। फॉर्मेट कॉपी करते हैं अपन। अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वैसे ही लेकिन उल्टा दिमाग लगेगा इसमें, क्योंकि ये ड्राइंग है, ड्राइंग माइनस होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कहां लिखते हैं? सीआर साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर के नाम क्या थे? पंकज और अनु। अब अपन को क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, कितना कितना? 3000 और 1000। ये होनी क्या चाहिए थी? माइनस होनी चाहिए थी ना, हाँ कि ना? यस यस। तो माइनस का क्या वैल्यू आनी चाहिए थी? 4000। ध्यान से समझना, माइनस की वैल्यू आनी चाहिए थी कितनी? 4000। तो माइनस का 4000 कैसे बट गया गलती से? इक्वल 2000 और 2000, हाँ कि ना? हाँ हाँ। अब इन दोनों को माइनस करो तो 3000 आ रहा है, 1000 डिफरेंस आ रहा है। हाँ, 1000 का डिफरेंस आना, लिखना किस तरफ चाहिए अपन को? इधर कहाँ कहाँ भाई? अगर डिफरेंस इधर का ज्यादा आता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड का क्रेडिट में, डेबिट साइड का डेबिट में, डेबिट में। लेकिन जब माइनस में आएगा, जब निगेटिव आएगा तो उल्टा तरफ लिखेंगे। डीआर में आ रहा होगा तो डीआर में, सीआर में लिखेंगे, और सीआर में आ रहा होगा तो डीआर में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे और इसका वाला यहां लिखे। आज समझ में आई कि नहीं? आ गई, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है ना, 3000 माइनस का है और ये 2000 किसका है? प्लस का। आंसर आ रहा है माइनस में, तो माइनस में आएगा तो उल्टे तरफ लिखेंगे। ओके, अब इसका आंसर क्या बनेगा? तो आंसर वही बनेगा ना, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। आंसर चेक करो सर, सही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा दिमाग ये ध्यान रखना कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस होगा ना तो उल्टा होगा काम, ठीक है ना? ओके ओके ओके। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, 61। क्या कह रहा है? पढ़ो ध्यान से। बताओ। हाँ, इसमें इसमें मतलब 6% चार्ज कर दिया गया था जबकि पार्टनर पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, और जब डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ ना लिखा हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देनी चाहिए, है ना? क्या रूल है? इफ डीड इज साइलेंट साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, We does not charge interest on drawing, but गलती इसमें क्या हो गई?
हमने चार्ज कर लिया, तो भैया आपने चार्ज किया तो कितना किया? इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तुमने चार्ज कितनी कर दी? 6%। तो राम में क्या लफड़ा था बताओ? राम की ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है? 3,000 रुपये महीना, तो 12 महीने की कितनी हुई? और ये क्या है, राम विड्रॉ 3,000 एवरी मंथ, हर महीने 3,000 निकालता है, तो टोटल उसने कितना निकाला? 36,000। कितने परसेंट रेट लगेगा? रेट है 6%, और फिर आएगा इंटू, सॉरी 6% इंटू 6/12। 6/12 क्यों? ड्यूरिंग द ईयर है ना, इसमें नहीं लिखा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, नहीं लिखा ना? नहीं लिखा। तो 36,000 रुपए का 6% डिवाइडेड बाय 6 × 2 1,080 रुपीज बनता है इसका। दूसरा पार्टनर कौन है जिसका ड्रॉइंग है? मोहन। मोहन मोहन का कितना है? 4,000 एवरी मंथ। 4,000 एवरी मंथ तो इसका कितना हो गया? 48,000। 48,000 में भी इसका भी बिगनिंग और मिडिल एंड कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? लिखा, कुछ नहीं लिखा। तो चलो इसको तुमने कितना दे दिया गलती से, इसका भी निकाल ले। 48,000 का 6% 1,440। आपने इसके में क्या माइनस कर दिया गलती से, जो देना नहीं था लेकिन तुमने दे दिया, इसके में नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई? राम में 1,080 और इसके में क्या नेगेटिव वैल्यू हो गई? 1,440 और इसके में क्या है? जीरो। तो टोटल कितना हो गया? 2,520। हाँ कि ना? हाँ। अब ये कैसे बढ़ जाएगा बगल में? रेशियो में, करेक्ट? करेक्ट। तो रेशियो क्या है इनका? 2:1:1 डिवाइड बाय 4 × 2। पहले वाले का आया 1,260, ये दोनों का है 1,1, तो 630 और 630। चलेगा? चलेगा। अब माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो जल्दी से। 1,260 माइनस 1,080, 180 आ रहा है? हाँ। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है बताओ? वन टू एट जीरो प्लस की वैल्यू है, 1,080 माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस होंगे और साइन किसका आता है? जो वैल्यू बड़ी होती है, हाँ कि ना? अगर माइनस में आता तो उल्टे तरफ लिखते, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था, माइनस में आ रहा था तो उल्टे तरफ लिखा था ना? माइनस 1,000 आ रहा था तो अपन ने सीआर की जगह डीआर में लिखा था, लेकिन इसमें जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्लस में 180 आ रहा है, तो जहां है वहीं लिखेंगे। अब इस वाले में देखो माइनस में आ रहा है आंसर, देखो कितना आ रहा है? माइनस में 1,440 माइनस 630, 810 माइनस में आ रहा है, ज्यादा कहाँ है? सीआर में, कहाँ चला जाएगा? सीआर में। कितना? 810। अब यहां 630 तो इधर ही आएगा,
डीआर में ज्यादा है ना, 6.0। अब इसकी एंट्री बताओ, एंट्री क्या बनेगी? राम कैपिटल अकाउंट डीआर, और डीआर में कौन सा नाम है? हाँ कि ना, एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ आ गई, अभी समझ में? हाँ आ गई। ये है तुम्हारा पूरा हिसाब किताब। अब इसमें से बिटिया मैं तुमको सोल्यूशन भेजूंगा, जितने क्वेश्चन बन जाए उतने करना, करने का तरीका यही है, ठीक है ना? और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले में जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है ना। फिर कल अपन इसके जो क्वेश्चन तुम्हारे डाउट होंगे उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद नहीं होगा तो फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके ठीक है, मैं भी जो है, ठीक है, मेरे को 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ये डाल देना कि सर ऐप, तो मैं ऐप का लिंक तुमको भेज दूंगा। ओके ओके चल ठीक है, मैं ये फाइल भेज रहा हूँ।